अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आई एम इस्लाम टीचर मिसबाह खलील। नाउ आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। नाउ ओपिनियन पेज नंबर 33। चैप्टर है तकदीर। मैं आपको पूरी रीडिंग तो नहीं बता सकती, इसका थोड़ा सा खुलासा बता देती हूँ कि तकदीर किसे कहते हैं। दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो सब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होता है, उसको हम तकदीर कहते हैं। अकीदा है तकदीर इस्लाम की बुनियादी अकायद में से है। अल्लाह ताला हर चीज़ के पैदाइश से पहले ही उसके सारे अहकाम का फैसला कर चुके होते हैं। दुनिया में होने वाला हर वाक़ अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक होता है। कभी कभी तकदीर के मुतालिक शैतान दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है, लेकिन जो मोमिन लोग होते हैं वो ज़िंदगी के गमों को और खुशियों को अल्लाह ताला का फ़ैसला समझते हैं और यही तकदीर पर ईमान रखते हैं। नाउ ओपन योर कॉपी फॉर क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, तकदीर किसे कहते हैं? आप राइट करेंगे इसका जवाब, दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है और किसी भी वक्त में हो रहा हो, वो सब अल्लाह ताला के इल्म में है, उसके हुक्म और इरादे के मुताबिक हो रहा है, उसको तकदीर कहते हैं। सवाल नंबर 2, कायनात के मुताबिक अल्लाह ताला ने क्या फैसला फरमाया है? इसका जवाब आप राइट करेंगे, कायनात की हर चीज़ के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने अंदाजे और तकदीर से हर एक का फैसला फरमा दिया है और मुतय्यन कर दिया है और उसी के मुताबिक ये कायनात चल रही है। सवाल नंबर 3 पर आप आएंगे, मोमिन का तकदीर के बारे में क्या ईमान है? मोमिन तकदीर पर ईमान रखता है, उसके बारे में बहस व मुबाहिसे से गुरेज करता है, क्योंकि तकदीर अल्लाह ताला का ऐसा राज है जिसे इंसान अपनी अक़ल के ज़रिए ही समझ सकता, लिहाजा वो यकीन रखता है कि सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। सवाल नंबर 4 पर आइए, जब कोई मुसीबत या परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए? जब कोई मुसीबत या परेशानी आए तो उस पर सब्र करें और अपने दिल को ये तसल्ली दें कि अल्लाह ताला को यूँ ही मंजूर था, इसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता था, अल्लाह ताला जब चाहेंगे इस परेशानी को दूर कर देंगे। ऐसा करने से इंशाअल्लाह ताला दिल मजबूत रहेगा और ईमान की हिफाजत होगी। ये सवाल आपको राइट करने हैं कॉपी में। आपको सवाल नंबर 5 भी राइट करना है। सवाल नंबर 5 है, किसी काम के हो जाने के बाद किस कॉल की ममानत है? यानी मनाए किसी काम के हो जाने के बाद इस कॉल की ममानत है कि काश मैं यूँ ना करता यूँ करता, यानी इस सवाल में ये बताया गया है कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चंस करने के बाद आपको खाली जगहें पेज नंबर 36 और जो जुमले मुकम्मल करने हैं वो 37 पर आपको करने हैं। ये आपको होमवर्क भी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।